हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस अंक में। बच्चों, आज के इस अंक में हम एक नए टॉपिक घन और घनमूल की बात करेंगे। तो आइए जानते हैं घन और घनमूल क्या होते हैं। तो बच्चों, घन को इंग्लिश में क्यूब कहते हैं और घनमूल को हम कहते हैं क्यूब रूट। जैसे आपने पिछले अंक में वर्ग और वर्गमूल पढ़ा था, तो वैसे ही घन और घनमूल क्यूब और क्यूब रूट होता है, और वर्ग और वर्गमूल को हम कहते थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले ये जान लें कि घन होता क्या है। किसी भी संख्या का घन हमें ज्ञात करना है, तो घन का मतलब है कि उस संख्या की घात में हमें तीन करना होता है। और घात तीन का मतलब क्या है कि उस संख्या को उसी संख्या से तीन बार गुणा करके हम उस संख्या का घन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर हमें वन का क्यूब प्राप्त करना है, तो ये एक गुणे एक होगा और इसका मान एक आएगा। इसी प्रकार से दो का क्यूब जो होगा वो दो गुणे दो होगा और इसका मान होगा आठ। तो तीन का जो घन होता है वो तीन गुणे तीन से प्राप्त होता है, और ये हो जाएगा तीन गुणे तीन नौ और नौ तीन सत्ताईस। तो इस तरह से जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं एक आठ सत्ताईस, ये क्या है, एक पूर्ण घन संख्याएं हैं। इन संख्याओं को हम पूर्ण घन संख्याएं कहते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम घनमूल के बारे में जानें कि घनमूल किसे कहते हैं। तो जैसे आपने घन जाना, वैसे ही घनमूल जो होता है वो इसका एक व्युत्क्रम प्रक्रिया है। जैसे कि हम कहते हैं कि किसी संख्या x का जो घन है वो y के बराबर है, x का घन y के बराबर, या ये हम कह सकते हैं कि y बराबर x गुणे x है। और इस y का जो हमें अगर घनमूल निकालना है, तो हम करणी का प्रयोग करते हैं और करणी में ऊपर तीन लिखते हैं। तो इस करणी के अंदर अगर हम y को रख देते हैं, तो इसका मतलब है कि इसका घनमूल हमें ज्ञात करना है। और इसका घनमूल किसके बराबर हो जाएगा, जो इसका मान है, यानी कि x घाते तीन, या आप x गुणे x लिख सकते हैं। तो जो इसका मान आता है वो इसी के बराबर आ जाता है, यानी कि उस संख्या के बराबर जिस संख्या का घन प्राप्त कर घन करने पर वह संख्या प्राप्त हुई है। ठीक है, जैसे अगर हम दो का घन करते हैं तो हमें आठ प्राप्त होता है, यानी कि यदि हम आठ का घनमूल निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, दो प्राप्त हो जाएगा। यानी मूल क्या है, जिस संख्या से इसका घन प्राप्त हुआ है वही संख्या उसका घनमूल हो जाएगी। तो इस प्रकार घन और घनमूल को हम अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। और जो पूर्ण घन संख्याएं हैं, जैसे एक आठ सत्ताईस चौंसठ, इनका घनमूल जो है आसानी से निकाला जा सकता है। तो एक का घनमूल एक होगा, आठ का घनमूल क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, सत्ताईस का घनमूल जो होगा वो तीन हो जाएगा, इसी प्रकार से चौंसठ का जो घनमूल होगा वो चार हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 125 भी एक पूर्ण घन संख्या है और इसका घनमूल पाँच हो जाता है। इस प्रकार अन्य संख्याओं का भी घनमूल आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आइए अब हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के घन क्या होते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं, जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, कि वे संख्याएं जिन्हें गिनती के लिए प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं प्रारंभ कहाँ से होती हैं, एक से होती हैं, और समाप्त कहाँ होती हैं, कहीं नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्राकृतिक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम बता नहीं सकते कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक होगी। तो प्राकृतिक संख्याएं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, इसी तरीके से ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब इनके घन क्या होंगे, तो इन्हीं संख्याओं को तीन बार गुणा करने पर प्राप्त होगा। जैसे एक का घन प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा, एक गुणे एक गुणे एक, जो कि एक मिलेगा,
दो का घन 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा, 3 का घन 3 × 3 × 3 यानी कि 27 मिलेगा, 4 का घन 4 × 4 × 4 64 हो जाएगा, 5 का घन 5 × 5 × 5 यानी 125, 6 का घन जो होगा वो 6 × 6 × 6 यानी कि 216 प्राप्त होता है, ऐसे ही 7 का घन 7 × 7 × 7 343 प्राप्त होगा, 8 का घन 8 × 8 × 8 यानी 512 प्राप्त होता है, 9 का जो घन होता है वो 9 × 9 × 9 यानी कि ये 729 प्राप्त होगा, और 10 का जो घन है यानी कि 10 × 10 × 10 वो 1000 प्राप्त होगा। इसी प्रकार आगे भी आप 11 का घन 12 का घन प्राप्त कर सकते हैं, 11 का घन 1331 होता है, 12 का जो घन होता है वो 1729 होता है। इस प्रकार से अन्य संख्याओं के घन भी उनको हम 3 बार गुणा करके जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है प्राकृतिक संख्याओं के घन। अब आइए जानते हैं प्राकृतिक संख्याओं के घन के क्या गुण हैं। तो बच्चों प्राकृतिक संख्याओं के घन के क्या गुण हैं आइए इसे सीखते हैं, जानते हैं। इन्हें हम प्राकृतिक संख्याओं के घन की विशेषताएं भी कह सकते हैं। तो सबसे पहली विशेषता यह है कि यदि कोई प्राकृतिक संख्या विषम है, यानी जैसे कि हम 1, 3, 5, 7, 9 लेते हैं, तो विषम प्राकृतिक संख्याओं के जो घन होंगे वो भी विषम ही प्राप्त होंगे। जैसे कि आपने देखा 1 का घन 1 प्राप्त हुआ था, 3 का घन 27 प्राप्त हुआ था, 5 का घन 125 प्राप्त हुआ था। तो ये संख्याएं हमारी जो हैं विषम हैं और उनके जो घन हैं ये भी क्या है विषम। तो विषम प्राकृतिक संख्याओं के घन सदैव विषम ही प्राप्त होते हैं। दूसरा गुण है सम प्राकृतिक संख्याओं के घन सदैव सम ही होते हैं। ठीक है, इसका भी उदाहरण आप देख चुके हैं। जैसे हम 2 का ले लें 4 का ले लें तो 2 का घन क्या मिलता है 8 मिल जाता है, 4 का घन 4 × 4 × 4 64 मिलता है। तो आपने देखा कि ये 2 और 4 क्या हैं सम प्राकृतिक संख्याएं हैं और इनके जो घन मिल रहे हैं वो भी क्या हैं सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इस प्रकार सम प्राकृतिक संख्याओं के घन भी सम ही होते हैं। अगला गुण है यदि हम n प्राकृतिक संख्याएं लेते हैं, n का मतलब n कोई भी संख्या हो सकती है, 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, 20 हो सकती है, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग से यदि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग करते हैं यानी 1³ + 2³ + 3³ और आगे भी इसी तरह से n³। n का मान आप 10 भी ले लें, 12 ले लें, 15 ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। तो इनके जो घनों का योगफल होता है वो इन्हीं संख्याओं के योगफल के वर्ग के बराबर होता है, यानी 1 + 2 + 3 + …n और इनका जो योगफल आएगा उसके वर्ग के बराबर इनका घनों का योगफल होता है। तो ये जो 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं इनका घन आपने पढ़ा है, सूत्र होता है n/2 n+1। अब इन सब का आप वर्ग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। और यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं n² n² 2² 4 हो जाएगा और n+1 का जो स्क्वायर होगा वह n+1 का होल स्क्वायर। आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से प्राकृतिक संख्याओं के घनों के कुछ विशेषताएं थी जो आपने जाना। आइए अब हम ऋणात्मक संख्याओं के घनों के बारे में जानते हैं। बच्चों ऋणात्मक संख्याओं के घन ज्ञात करने के लिए जैसे हम किसी संख्या a का घन ज्ञात करते हैं तो उसी संख्या को हम क्या करते हैं 3 बार गुणा करके उसका घन प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यदि संख्या ऋणात्मक है तो यही ऋणात्मक ऋण का चिन्ह क्या होगा 3 बार प्रयोग होगा। ठीक है, -a × -a × -a और जब भी ऋण 3 बार आता है तो उसका गुणनफल क्या हो जाता है ऋणात्मक हो जाता है, यानी -a का जो क्यूब आएगा वो -a³ के बराबर होगा। तो हम सीधे सीधे एक लाइन में ये कह सकते हैं कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का घन उस संख्या के जो निरपेक्ष मान होता है उसके घन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। जैसे कि हम अगर 5 का घन जानते हैं,
5 का घन क्या होता है 125, लेकिन संख्या अगर हमने ऋणात्मक कर दी तो इस ऋणात्मक संख्या का घन इसके निरपेक्ष मान मॉड माइनस 5 का जो निरपेक्ष मान होता है वो 5 होता है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे 5 का निरपेक्ष मान 5 का क्यूब जो है 125 लिख लेंगे और उसमें एक ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे। इस तरीके से किसी भी ऋणात्मक संख्या का हम जो है घन प्राप्त कर सकते हैं। माइनस 5 का क्यूब क्या हुआ, माइनस 125, और अगर माइनस 6 का क्यूब ज्ञात करना होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 216। इसी तरीके से अन्य संख्याओं के भी घन हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, आप जानते हैं भिन्न संख्याओं के घन हम कैसे प्राप्त करेंगे। भिन्न संख्याएं यानी कोई भी संख्या जो अंश और हर के रूप में हो उसका घन हमें ज्ञात करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, जो अंश में संख्या लिखी है उसको हम अंश में 3 बार गुणा करेंगे, पी गुणे पी गुणे पी, और हर में जो संख्या लिखी है क्यू उसका 3 बार गुणा करके हम इस भिन्न संख्या का घन प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे एक संख्या हमने ले ली 3/5 और इसका हमें घन ज्ञात करना है, तो हम अंश वाली संख्या को अंश में 3 बार गुणा करेंगे और हर वाली संख्या को हर में 3 बार गुणा करेंगे, हम उसका घन प्राप्त कर सकते हैं। तो 5 का जो घन होगा 5 × 5 × 5 करके प्राप्त कर लेंगे। तो 3 × 3 × 3 क्या मिला 27 और 5 × 5 × 5 क्या मिला 125। तो इस प्रकार किसी भी भिन्न संख्या का घन हम इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। और यदि वो भिन्न ऋणात्मक हो, जैसे हम 5/7 ले लेते हैं, -5/7 -5/7, और इसका घन हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, हम शुरुआत में ही माइनस लगा देंगे और अंश में 5 × 5 × 5 यानी अंश में जो संख्या यहाँ लिखी गई है उसका हम 3 बार गुणा कर लेंगे और हर में जो संख्या ली गई है उसका 3 बार गुणा कर लेंगे। तो 5 × 5 × 5 125 और 7 का घन जो होता है वो 343, साथ में 1 माइनस हमें लगाना है तो हमारा जो उत्तर आएगा वो -125/343। तो इस प्रकार सभी भिन्न संख्याओं का घन हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने कुछ कॉन्सेप्ट जाने, जैसे कि घन, घनमूल, प्राकृतिक संख्याओं के घन, उनकी विशेषताएं, भिन्न संख्याओं का घन, ऋणात्मक संख्याओं का घन इत्यादि। अब बच्चों, अब हम किसी भी पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात करने की विधियों पर चर्चा करेंगे। तो हम अभी बताने जा रहे हैं आपको घनमूल ज्ञात करने की विधियां। बच्चों, जो पहली विधि है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। पहली विधि अभाज्य गुणनखंड विधि है और दूसरी विधि है स्तंभ विधि, स्तंभ विधि यानी कॉलम मेथड। तो ये दो विधियां हैं, पहली विधि अभाज्य गुणनखंड विधि है और दूसरी स्तंभ विधि है। तो दोनों विधियों को हम बारी बारी सीखेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से हम किसी भी संख्या का जो कि पूर्ण घन हो उसका हम घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि को समझने के लिए एक पूर्ण घन संख्या हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने 216 ले लिया। अब हमें क्या करना है, इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना है। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड, आप जानते हैं कि यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य है, इसको 2 से भाग दिया जाएगा तो 2 × 2 और 2 × 8 = 16, इस तरह से 108 प्राप्त होगा। पुनः यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य है, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8। फिर एक बार आप 2 से पूर्णतः विभाज्य करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 27, और अब यह संख्या 3 से विभाजित होगी, 3×9 = 27, पुनः 3 से करें, 3×3 = 9, और आखिर में फिर 3 से करेंगे, 3×3 = 3। तो इस तरीके से 16 के जो अभाज्य गुणनखंड मिल गए वो क्या हो गए, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3
तीन। अब हमें इन गुणनखंडों के तीन तीन के जोड़े बनाने हैं, और जोड़े कैसे बनेंगे, समान अंकों के। जैसे दो गुणे दो गुणे दो का एक जोड़ा बन गया, और तीन गुणे तीन का एक जोड़ा बन गया। अब हमें जब घनमूल ज्ञात करना है 216 का, तो प्रत्येक जोड़े के लिए एक संख्या लिखेंगे। जैसे दो गुणे दो गुणे दो का एक जोड़ा बना, तो यहाँ पर एक बार दो लिख देंगे, और इसमें तीन गुणे के तीन के जोड़े के लिए एक बार तीन हम और लिखेंगे। तो इस तरीके से इसका जो घनमूल हुआ वो दो गुणे तीन यानी कि 6 के बराबर हो गया। तो इस तरीके से इस विधि के द्वारा पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आइए अब हम दूसरी विधि पर चर्चा करते हैं, जो कि है स्तंभ विधि। तो बच्चों दूसरी जो विधि है स्तंभ विधि, इसमें किसी भी पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे दो भागों में बांटते हैं। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। हमने एक संख्या ले ली 238328। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर दाएं से तीन तीन अंकों के जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो पहला जोड़ा ये हो गया और दूसरा जोड़ा क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब पहला जोड़ा जो है यहाँ से हमें इस जोड़े से क्या मिलेगा, इकाई का अंक प्राप्त होगा, और इस जोड़े से हमें क्या होगा, दहाई का अंक प्राप्त होगा। तो ये हमारा फर्स्ट जोड़ा हो गया और ये सेकंड जोड़ा हो गया। तो जो पहला जोड़ा है उसका इकाई का अंक देखेंगे आप क्या है, 8। और 8 हमें किसके घन पे मिलता है, आप देखते हैं जब हम 2 का घन करते हैं तो हमें 8 प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो 328 है उसका जो इकाई का अंक है 8, और इसका घनमूल जो हो गया 2 हो गया, यानी इकाई जो हमारी मिल गई वो क्या हो गई, 2 हो गई, इकाई बराबर 2। अब सेकंड जोड़े से हमें क्या करना है, दहाई का अंक देखना है। तो अब हम देखेंगे 238 जो है वो किन पूर्ण घन संख्याओं के बीच में आती है। इससे जो बड़ा घन होगा वो 343 होगा, और इससे जो छोटा घन है वो 216 है। यानी कि ये जो है 6 का घन होता है और 343 जो है 7 का घन है। तो हमारे जो फर्स्ट जोड़ा है 238 का वो 6³ और 7³ के बीच में है। तो इस तरीके से हम पता कर लेते हैं कि हमारे जो पहला दूसरा जोड़ा आया है वो किन पूर्ण घन संख्याओं के बीच में आता है, और उनमें से जो सबसे छोटी संख्या है उसी को हम दहाई का अंक ले लेते हैं। यह हमारा दहाई का जो अंक हो गया वो क्या हो गया, दहाई का अंक यहाँ पर 6 हो गया। तो इस तरीके से अगर हमें इस संख्या जो हम संख्या ली है 238328, इसका जो घनमूल होगा 62 के बराबर हो जाएगा, यानी दहाई 6 हो गई और इकाई क्या हो गया, 2। तो हमारा घनमूल क्या प्राप्त हुआ, 62। तो ये जो दूसरी विधि थी स्तंभ विधि थी, तो इस प्रकार से इस विधि से पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल हम इस तरीके से आसानी से ज्ञात कर पाएंगे।